कलम में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव गिरिजा शुक्ला, अभिकल फाउंडेशन और कलम रायपुर बिलासपुर के संयुक्त कड़ी में आयोजन समिति की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि कलम रायपुर की 51वीं कड़ी, और अगर हम बिलासपुर की बात करें तो रायपुर बिलासपुर की ये 12वीं कड़ी होगी और ये आयोजन हमारा आज होने वाला है। हमें बहुत खुशी है कि आज गीत चतुर्वेदी जैसे बेहतरीन कवि हमारे साथ इस सत्र में जुड़ रहे हैं, और आज बातचीत का जिम्मा जो है वो दीपा मिश्रा जी संभालने वाली हैं। सो मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ। बहुत छोटी सी जानकारी प्रोग्राम के बारे में जो हमारे सभी दर्शकों को होनी चाहिए प्रोग्राम शुरू करने के वक्त। प्रभा खेतान फाउंडेशन, अभिकल फाउंडेशन, श्री सीमेंट्स और हायत रायपुर के सहयोग से कलम रायपुर का आयोजन होता है, और ये सभी संस्थाएं नई दुनिया के साथ कलम बिलासपुर का आयोजन करती हैं। आज 51वीं कड़ी है जब हम गीत चतुर्वेदी जी को, उनकी जर्नी को, उनके उनकी कविताओं के बारे में जानने का और सुनने का हमें मौका मिलेगा। प्रभा खेतान फाउंडेशन जो कि महिला उत्थान के साथ पर्यावरण, आर्ट और लिटरेचर पे लगातार बहुत काम कर रही है, श्री सीमेंट इस पूरे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं। अभिकल फाउंडेशन जो कि लिटरेचर और रूरल एजुकेशन, ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से लगातार छत्तीसगढ़ में सक्रिय है। एहसास वुमन की तरफ से गरिमा तिवारी जी हमारे साथ हैं। एहसास वुमन बिलासपुर हैं जो कि बिलासपुर के कलम की जिम्मेदारी संभालती हैं, और आज जो बातचीत का जिम्मा संभाल रही हैं वो भी हमारे साथ एहसास वुमन ही हैं, जो कि लखनऊ से दीपा मिश्रा जी हमारे साथ होंगी। मैं बहुत ब्रीफ परिचय पढ़ दूं, दीपा जी का और गीत चतुर्वेदी जी का। दीपा मिश्रा जी एहसास वुमन लखनऊ की हमारी सदस्य, बहुत गहरी रुचि है इनकी वाइल्ड लाइफ में, पर्यावरण को लेकर के। एमबीए की अपनी पढ़ाई के बाद वाइल्ड लाइफ की तरफ रुझान इनका, और साथ ही साथ लिटरेचर की ओर उनका गहरा रुझान रहा है। लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल में सबसे सक्रिय भूमिका में आप हमेशा नजर आती हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि आप एहसास वुमन ऑफ लखनऊ है, तो प्रभा खेतान फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई आप रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपा जी, आज सूत्रधार की भूमिका में आप होंगी। आज हमें बहुत खुशी है कि आज की इस कड़ी में गीत चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, और गीत चतुर्वेदी जी के बारे में अगर कुछ कहना है तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत सारा कुछ कहा जा सकता है, बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम ब्रीफ में कहें तो गीत चतुर्वेदी जी एक ऐसे कवि हमारे बीच में हैं जिनकी कविताएं आपको किसी भी आप मोड में रहें, किसी भी आप अपने अपने थॉट पे रहें, मुझे लगता है वहां से खींचकर आपको दूसरी एक खूबसूरत सी दुनिया में, एक सुंदर दुनिया में जहां रोशनी है, जहां उम्मीद है, उस तरफ ले जाने में उनकी कविताएं बिल्कुल आगे होती हैं और हमें आगे बढ़ा सकती हैं। समकालीन हिंदी के लेखकों में गीत चतुर्वेदी सबसे ज्यादा पढ़े जाने वालों में शुमार हैं। आपका जन्म 27 नवंबर 1977 को मुंबई में हुआ। आपका कविता संग्रह न्यूनतम में काफी समय तक हिंदी के बेस्ट सेलर पुस्तकों की सूची में शामिल रहा। आपके नए कविता संग्रह खुशियों के गुप्तचर को भी हिंदी जगत ने काफी सराहा और उसे वर्ष 2019-20 की सर्वश्रेष्ठ किताबों में से एक माना गया। आपकी रचनाओं के अनुवाद अब तक तकरीबन 22 देशी और विदेशी भाषाओं में हो चुके हैं। आपके नॉवेल सिमसिम के अंग्रेजी अनुवाद को प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्था पेन अमेरिका ने बहुचर्चित पेन हैम ट्रांसलेशन ग्रांट भी दिया है। ऐसा सम्मान पाने वाली यह महज दूसरी भारतीय गल्प कृति है। चतुर्वेदी की रचनाओं को अमेरिका के 6 विश्वविद्यालयों ने अपने विभिन्न प्रकाशनों में स्थान दिया है। इंडियन एक्सप्रेस और कई दूसरे प्रकाशन संस्थानों की नजर में आप भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से एक हैं। मैं रायपुर और बिलासपुर की जनता के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और ज्यादा वक्त न लेते हुए अब ये मंच गीता जी को और गीत चतुर्वेदी जी को और दीपा जी को आप दोनों को सौंपते हुए बातचीत का हम आनंद लेते हैं। धन्यवाद गौरव जी। की जी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है कलम के इस सत्र में।
और साथ में मैं स्वागत करना चाहूंगी उन सभी लोगों का जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। गीत जी, वैसे तो आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन जब भी आपका नाम सुनते हैं तो जहन में एक ही बात आती है कि आपका नाम कितना पोएट्रिक है, कितना काव्यात्मक है। तो सबसे पहले तो हम इस सुरीले नाम की कहानी जानना चाहेंगे और साथ ही में हम ये भी जानना चाहेंगे कि गीत का कविता से परिचय कब हुआ, कैसे हुआ और कब कविता गीत की जरूरत बन गई, उसकी जिंदगी उसका जुनून बन गई और गीत ने कविता के जरिए अपने दिल की बात दुनिया के सामने रखना शुरू किया। शुक्रिया आपका। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप शुक्रिया आपका दीपा जी और कलम रायपुर बिलासपुर एहसास वुमन फाउंडेशन आप सभी का बहुत शुक्रिया। और जैसा कि सवाल है मेरा नाम किसने रखा, मेरे जन्म लेने से पहले ही मेरा नाम रखा जा चुका था। मेरे पिताजी ने शायद पहले से सोच रखा था कि अगर बेटा होगा तो उसका नाम गीत रखेंगे, क्योंकि 27 नवंबर 1977 की उनकी डायरी में लिखा हुआ था जो कि मैंने बरसों बाद देखा। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन उन्होंने डायरी में लिखा था आज हमें गीत मिला। तो मैंने पूछा था बाद में, उन्होंने लिखा था बरसों पहले सोच लिया था कि अगर गीत ना करते तो क्या कारण क्या था। बोले बस मुझे ये नाम अच्छा लगता था, मुझे लगता था कि कुछ संगीत के साथ तुम्हारा जुड़ाव होगा। मैंने कहा मैं तो संगीत से जुड़ा नहीं, आपको बड़ी निराशा होती होगी। बोले नहीं नहीं जो तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत संगीत है, तुम्हारे अंदर दिखता है संगीत। तो खैर नाम उनकी तरफ से आया, पूरा जीवन उनकी तरफ से आया और कविताओं के प्रति जो दिलचस्पी है, या ऐसा कहूँ कि विभिन्न कलाओं के प्रति जो दिलचस्पी है, वो मेरे पिताजी के कारण आई। वो खुद भी लिखते थे, बहुत अच्छा संगीत बजाते थे, पुरानी कुछ फिल्मों में बांसुरी उनकी गूंजी है, हमने सुनी है। बहुत सारे संगीतकार मित्र थे, बहुत सारे लेखक मित्र थे, घर में आना जाना होता रहता था, एक अच्छी खासी लाइब्रेरी थी, बहुत सारी किताबें थी। तो उन्हीं सब को देख करके 13 साल की उम्र में मैंने बच्चों की पहली रचना लिखी, बच्चों की पहली कहानी जो कि पिंकल नाम की पत्रिका में छपी। और उसके छपने से मैं बहुत ही उत्साहित हुआ और मुझे तब पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि भाषा के साथ मेरा एक रचनात्मक रिश्ता हो सकता है। मैं और ज्यादा किताबों की तरफ मुड़ा, कविताओं की तरफ मुड़ा, यशवंत प्रसाद की कामायनी की तरफ मुड़ा, दिनकर की रचनाओं की तरफ मुड़ा। और उस समय जो कविताएं एक्सेसिबल थी, घर में थी, उपलब्ध थी, उन सबको पढ़ता रहा। और 17 की उम्र में जाकर के पहली बार मेरी कोई कविता जो बड़ों के लिए लिखी गई थी वो 17 की उम्र में प्रकाशित हुई जनसत्ता में मुंबई के। और वो एक बहुत अच्छा अनुभव था क्योंकि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जो मैं ऐसे ही एक ट्रायल के तौर पर लिख करके भेज रहा हूँ वो इतनी अच्छी होगी, छप जाएगी। और उसके बाद फिर छपना शुरू हो गया। फिर वो यात्रा ऐसी शुरू हुई कि पीछे मुड़ के देखना कभी नहीं हुआ, 17 से लेकर के आज तक। जी बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन था कि जरूर कोई ऐसी ही खूबसूरत सी कहानी होगी आपके नाम के पीछे। तो आज जो आपने हमारे संग साझा करी है, जी जब आप 17 वर्ष के थे आपने बताया कि आपकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। ऐसी उम्र जब ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस दिशा में उनको बढ़ना चाहिए, तब आपकी कविता प्रकाशित हुई। तो इसका मतलब यह है कि आप तब भी बहुत संजीदा थे। तो 17 साल का गीत और आज का गीत, आपने अपने भीतर सबसे बड़ा बदलाव क्या महसूस किया? मुझे ऐसे लगता है तब मैं ज्यादा मैच्योर हुआ करता था, अब मुझमें बचपना आ गया है। 17 साल की उम्र एक, सच कहे, बहुत ऑनेस्टली कहें तो एक बहुत अजीब उम्र होती है जिसमें आपको पता भी नहीं चलता कि आप करने क्या वाले हैं। तब चीज अच्छी लगती, क्रिकेट अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है। मैं तो मेरे सामने दो रास्ते थे,
जो कि मैंने अपने लिए बना रखे थे, सोच रखे थे। संगीत में मेरी बहुत दिलचस्पी थी, घर में संगीत का माहौल था, पिताजी अच्छा खासा संगीत को लेकर के बातें किया करते थे, अपने अनुभव, अपनी दोस्तियां, उनके किस्से शेयर किया करते थे। लेकिन मैं उस संगीत के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, मैं पश्चिमी संगीत के साथ जुड़ा हुआ था, मैं रॉक म्यूजिक और कहते हैवी मेटल और पॉप के साथ जुड़ा हुआ था। तो मैं अपना एक रॉक बैंड बनाना चाहता, रॉक स्टार बनना चाहता बहुत लंबे समय तक, ऐसे समझिए 14 से लेकर के 17 तक, तो ये जो 3 साल का पीरियड था और उसके बाद कॉलेज के कुछ एक बरस, उसमें तो हम कॉलेज की सीढ़ियों पे बैठ जाते, मुंबई की चौड़ी सड़कें होती थी, अभी भी होती हैं, उन चौड़ी सड़कों पर बहुत चौड़े चौड़े डिवाइडर्स होते थे, हम वहाँ बैठ जाते और एरोस्मिथ और गन्स एंड रोजेस और निर्वाणा और मॉटली क्रू, इन सब के गाने, बीटल्स, बॉब डिलन, जो जबान पर आते हम उन सबको गाते रहते, कुछ अपनी धुनें बनाते। तो वो एक ऐसी उम्र थी जिसमें बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे हम, बहुत सारी जगहों पर हाथ डालते थे, और शायद एक तुलनात्मक रूप से देखें तो शायद ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। कॉन्फिडेंट इसलिए थे क्योंकि कोई बैगेज नहीं था, कोई बोझ नहीं था, कोई सर्टिफिकेशन नहीं था, कुछ प्रूव नहीं करना था, बस एक मस्ती थी, एक अल्हड़पना था, एक अलमस्त माहौल था, कि जो हाथ में आया है उसको लिख देंगे, जो जहन में आया है उसको एक्सप्रेस कर देंगे, जो जुबान पर आया है उसे गा देंगे। अब ऐसा नहीं होता, अब जो है ना, जो जहन में आया है उसको 2-4 बार फिल्टर करने का मन करता है, जो लिख दिया गया है उसको लिखने से पहले अपने पास संजोने का मन करता है, कि ना किसी से शेयर न किया जाए, पता नहीं ये जो चीज बनी है ये ढंग की बनी भी है या नहीं बनी है, या शेयर करने लायक है या नहीं, ये सोच अब ज्यादा होती है। इसलिए मैं कहता हूँ उस उम्र में ज्यादा मैच्योरिटी और ज्यादा कॉन्फिडेंस था, इस उम्र में आकर के थोड़े संदेह अपने आप को लेकर के बढ़ जाते। जी, उस शुरुआती वक्त की कोई कविता अगर आप हमें सुनाए, तो शुरुआती वक्त की, बिल्कुल स्टार्टिंग की, जब आपने लिखी। देखिए, एकदम शुरुआती वक्त छोटी सी कविता सुनाऊं, दरअसल इस कविता का भी एक छोटी, इस कविता का एक इतिहास, एक घटना है जी। छोटी सी कविता, 4 लाइन की है ये, लिखी मैंने उसी समय की, लेकिन उस समय लिखने के बाद मुझे ये पसंद नहीं आई, मुझे लगा पता नहीं क्या लिख दिया, तो मैंने उसे ऐसे ही किनारे छोड़ दिया। जी। अब 2 साल पहले मैं अपनी पुरानी डायरियां, बचपन की, टीनेज की पलट रहा था, तो मुझे ये 4-5 लाइन की ये कविता वहां दिख गई। मैंने कहा, अरे मैं शायद ज्यादा अच्छा लिखता था जब मैं छोटा था तो, तो मैंने वो 4 लाइन की कविता अपनी नई किताब खुशियों के गुप्तचर में शामिल की है। शीर्षक है यकीन। तुम मुझसे कहना, मैं कहूंगा तुमसे, तुम मुझसे कहना, मैं कहूंगा तुमसे, मुझे यकीन है कहने से सुनने से कम हो जाते हैं दुख, जैसे बचपन में फूंक मारने से दूर हो जाते थे बादल, जैसे बचपन में फूंक मारने से दूर हो जाते थे बादल। छोटी सी 1997 की है ये, हालांकि तब तक मेरी कई कविताएं छप चुकी थी, कई अच्छी पत्रिकाओं में छप चुकी थी, लेकिन मुझे तुरंत ये कविता याद आई क्योंकि ये उस समय की रिजेक्टेड पोएम थी ये। बहुत ही खूबसूरत कविता, और शायद, और इस कविता ने बचपन याद दिला दिया। एक्चुअली मुझे आपने जब बोला ना फूंक मारते थे तो बादल, वो मुझे एकदम से याद आ गया कि हाँ एक्चुअली ऐसे ही किया करते थे, तो आपने वो याद दिला दिया उनको। और शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि आप कवि नहीं, जादूगर हैं, आप सम्मोहन विद्या जानते हैं, और एक बार जिसने आपको पढ़ना शुरू किया आपके जादू से जल्दी बाहर नहीं आ पाता। आलाप में गिरे है न्यूनतम मैं और खुशियों के गुप्तचर, यानी 3 जादुई कविता संग्रह, हमें कुछ इनके बारे में बताएं, और फिर आपसे अनुरोध है कि हमें इनमें से कुछ जरूर सुनाएं। मन लालची हो रहा है थोड़ा। आलाप में गिरा है मेरा पहला कविता संग्रह
जो कि 2010 में आया। ये एक अलग तरीके की किताब है क्योंकि इसमें वो सारी कविताएं शामिल हैं जो 17 की उम्र से लिखी गई थी। शुरुआती दौर की कुछ कविताएं मैंने छोड़ दी हैं, लेकिन 17 से लेकर के 30 साल की उम्र तक की 13 साल की कविताएं इसमें शामिल हैं, और उन 13 वर्षों में से 6 वर्षों में, 7 वर्षों में, बीच के 7 वर्षों में मैंने कविताएं नहीं लिखी थी, क्योंकि मैं अपनी कविताओं को लेकर के बहुत संतुष्ट नहीं रहता था, उनको बहुत संदेह की नजर से देखता था, और मुझे ऐसा लगता था कि जो जैसा लिखा जा रहा है, बाकी तमाम दूसरे लोग जैसा लिख रहे हैं, मैं भी लगभग वैसा ही लिख रहा हूँ, मैं कुछ अलग तो कर नहीं रहा हूँ। और आप अच्छे तभी बनते हो जब आप दूसरों से थोड़ा अलग होते हो, जब आपकी आवाज दूसरों की आवाज से अलग सुनाई पड़ती। मेरी बहुत बड़ी चिंता थी उस जमाने में, तो मैंने क्या किया, अपनी लिखाई बंद कर दी और दुनिया का साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने खुद से कहा कि जापान से लेकर के अमेरिका तक, नॉर्वे से लेकर के नीचे दक्षिण अफ्रीका तक, दुनिया के जितने महान लेखक हैं, दुनिया की जितनी महान किताबों को महान किताब माना गया है, मैं उन सबको अध्ययन करूंगा और उनके हिसाब से अपने लिए साहित्य का, कविताओं का एक नया रास्ता तैयार करूंगा। तो आलाप में गिरा में दोनों तरह कविताएं, यानी मेरे इस ब्रेक लेने से पहले की कविताएं और ब्रेक लेने के बाद की भी कविताएं। तो इसका नेचर, इस किताब का नेचर थोड़ा मिला जुला है, यानी इसमें वैसी कविताएं भी हैं जो हिंदी के तमाम दूसरे कवि उस दौर में लिख रहे थे, बहुत दूसरे, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं है, लेकिन एक खास सामाजिक राजनीतिक धरातल पर मध्यवर्गीय मनुष्य की नियति को पकड़ने की कोशिश आलाप में गिरा। न्यूनतम मैं 2017 में आया और ये बिल्कुल अलग किताब, यानी आलाप में गिरा में जो सपना मैंने देखा था कि अपनी कविताओं में बदलाव लाऊंगा, मैं वैसी बहुत ज्यादा कविताएं मैं आलाप में गिरा में शामिल नहीं कर पाया था, लेकिन न्यूनतम मैं पूरी तरह से बदली हुई किताब है। इसमें कविता का एक नया मुहावरा अपने लिए, अपनी सीमाओं के भीतर मैंने पकड़ने की कोशिश की, और बहुत हद तक मुझे उसमें खुशी भी मिली, संतोष भी मिला कि मैं कुछ वैसा रचने में कामयाब हो पाया जैसा हिंदी में आमतौर पर नहीं रचा जा रहा था या आसपास कॉमन नहीं था। 2017 की ये किताब है, इसमें मैंने 2010 से लेकर के 2014 तक की कविताएं इसमें शामिल की थी, 63 कविताएं हैं इसमें उस दौर की चुनिंदा। ये इसको मैं कहता हूं कि इस कविता संग्रह की जो किताबें हैं वो मेटा रियलिटी की कविताएं हैं। एक होती है रियलिटी यथार्थ, दूसरा होता है मेटा रियलिटी, यानी यथार्थ से थोड़ा अधिक यथार्थ, थोड़ा सा मेटाफोरिकल यथार्थ, प्लेन रियलिस्टिक रियलिटी नहीं बल्कि मेटाफोरिकल रियलिटी। आप किसी भी चीज को थोड़ा सा प्रतीकों के सहारे कहने की कोशिश करें, ये न्यूनतम मैं की विशेषता है। तीसरा, खुशियों के गुप्तचर, इसमें मैंने मेटा रियलिटी को अपनाते हुए और ज्यादा डायरेक्ट और ज्यादा सरल होने की कोशिश की है। ये तीन किताबें, मैं ऐसा मानता हूं और कई बार मेरे अपने जीवन का एक अनुभव है कि जब हालात कठिन होने लगते हैं, जिंदगी कठिन होने लगती है, तब कहीं ना कहीं कविता आपसे कहती है कि अपनी पंक्तियों को सरल करो। जिंदगी जितनी मुश्किल होती जाएगी, कविता आप उतनी सरल लिखने की कोशिश करो, कि मुश्किल जिंदगी का एक लक्षण है। तो खुशियों के गुप्तचर में कुछ सरल पंक्तियां, कुछ मेटाफोरिकल रियलिटी को छूते हुए सीधी बात कहने की कोशिश, ये इन तीनों किताबों, ये इस तरह से कविता का एक छोटा सा एक तीन किताबें, मतलब पहली किताब में 72 हैं, दूसरी में 63 हैं, तीसरी में 81 है, कितनी हो गई टोटल? बहुत हो गई। वाह,
मैं तो कई बार बोलता हूँ कि मेरा पोएट्री राइटिंग का करियर 25 साल का है, 25 साल में ये 250 भी नहीं हुई। तीनों को मिला दें तो ये 25 साल में कितनी हुई? 210, 220। अगर 25 साल में आपके पास सिर्फ 220 कविताएं हैं तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने तो देखा 25 साल में लोगों को 25 किताबें लिखते हुए देखा है, तो अपने हिसाब से मेरे पास उतनी कविताएं हैं। और कुछ चार चार लाइनों का छोटा छोटा सा कुछ कविता सुना दीजिए प्लीज। अच्छा, मैं तीनों किताबों से एक एक छोटी छोटी जी। आलाप में गिरा पहली किताब है और इसमें है नीम का पौधा। ये नीम का पौधा है जिसे झुककर और झुककर देखो तो नीम का पेड़ लगेगा, और झुको थोड़ा और, मिट्टी की देह बन जाओ तुम इसकी छांव महसूस कर सकोगे। इसे एक छोटी बच्ची ने पानी दे दे के खींचा है, इसकी हरी पत्तियों में वह कड़वाहट है जो जुबान को मीठे का महत्व समझाती है। इन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, वे आए और इसकी लघुता से साहस पाए। जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है वे आए और इसकी लघुता से साहस पाए। क्या बात है, क्या बैकग्राउंड में बहुत शोर हो रहा है क्या? अगर किसी ने म्यूट करना है तो म्यूट कर दे लो। अब ठीक है। एक छोटी कविता न्यूनतम मैं से है। दूसरी किताब पंच तत्व। मेरी देह से मिट्टी निकाल लो और बंजरों में छिड़क दो, मेरी देह से जल निकाल लो और रेगिस्तान में नहरें बहाओ, मेरी देह से निकाल लो आसमान और बेघरों की छत बनाओ, मेरी देह से निकाल लो हवा और कारखानों की वायु शुद्ध कराओ, मेरी देह से आग निकाल लो, तुम्हारा दिल बहुत ठंडा है, मेरी देह से आग निकाल लो, तुम्हारा दिल बहुत ठंडा है। पंच तत्व, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और उन्हीं 5 तत्वों को अपने शरीर में खोजने और उन्हें इस समाज को, इस दुनिया को देने के स्वप्न की कविता है वो पंच तत्व। खुशियों के गुप्तचर इस किताब से। इसने भी 4 लाइन की कविता, 4 वचन, 3 हिस्से में ये कविता है। मैं पहला हिस्सा पढ़ूंगा, 4 लाइनों का पहला हिस्सा। खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते, खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते, पोंछे गए आंसू व चुराई गई नसीहतें बताई नहीं जाती। भीगी हुई आत्मा को धूप में टांग कर सुखाया नहीं जाता, जिया हुआ प्रेम और सुना गया संगीत लौट के जरूर आते हैं, जिया हुआ प्रेम और सुना गया संगीत लौट के जरूर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही खूबसूरत कविता है। और मेरा अगला सवाल भी आपका, आपकी किताबों से ही जुड़ा हुआ है कि अधूरी चीजों का देवता आपकी जो सबसे नई किताब है उसमें डायरी भी है, निबंध भी है, कहानियां भी हैं और फिलॉसफी भी है। तो अधूरी चीजों का देवता, न्यूनतम मैं, खुशियों के गुप्तचर, टेबल लैम्प, अगर हम इन सभी किताबों के कंटेंट को ध्यान से देखें तो उन्हें आपने बकायदा अलग अलग तरह से डिवाइड किया हुआ है, तो आप अपनी किताबों को कैसे प्लान करते हैं? ये अच्छा सवाल है। मैं एक दरअसल एक थीम जो मन में चलती रहती है वो किताब से पहले, क्योंकि कविताएं ऐसी तो होती नहीं है नॉवल की तरह या फिक्शन की तरह कि आपने एक कथा लेकर के लंबे समय तक उसकी बुनावट कर दी।
कई सारी कविताएं, कई सारी थीम, कई सारी चीजों को लेकर के आती थी। और मैं हालांकि बहुत व्यवस्थित व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन चाहता हूं कि किताबों के भीतर जो पंक्तियां हैं और जो कविताएं हैं और जो बातें हैं वो थोड़े से व्यवस्थित अंदाज में आ जाएं। तो मैं हमेशा अपनी किताबों को अपने खंडों में बांटता हूँ। जैसे न्यूनतम मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, ये सर्गों में बंटी हुई किताब है। अब उसे हम साधारण तौर पर हिस्से कह सकते हैं, पार्ट्स कह सकते हैं, लेकिन मैंने उसे नाम दिया सर्ग, क्योंकि वो जो पूरा समय था मेरे लिए वो कहीं ना कहीं मैं अपने भीतर कविता की एक महाकाव्यात्मक चेतना को गूंजता हुआ महसूस करता था। मुझे ऐसा लगता था मेरा एक अघोषित किस्म का स्वप्न था कि मैं एक महाकाव्य लिखूंगा, लेकिन वैसा संभव नहीं था मेरे लिए। तो मैंने उसमें सर्ग डाले इस किताब में, क्योंकि संस्कृत काव्य की परिपाटी के अनुसार सर्ग महाकाव्य में होते हैं, साधारण किताबों। तो मैं अपनी इस काव्यात्मक चेतना को महाकाव्यात्मक रूप में देखने की कोशिश करता था, मैंने उसे सर्ग का रूप दिया। इस तरह जैसे अधूरी चीजों का देवता है, उसमें क्या कहते हैं, उसे डायरी है, निबंध है, संस्मरणात्मक लेख है ना। मैंने तीनों चीजों को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया कि जो चीजें छोटी हैं, जो चीजें गद्य के भीतर कविता का अनुभव दे सकती हैं, उन्हें मैं एक हिस्से में रखूं। जो चीजें गद्य के भीतर विश्लेषण का आनंद दे सकती हैं, उन्हें दूसरी तरफ ले जाऊं। और जो चीजें गद्य के भीतर स्मृति का आनंद दे सकती हैं, उन्हें तीसरी जगह लेकर के जाऊं। स्मृति बहुत बार प्रेम से जुड़ी हुई हो, स्मृति कई बार जीवन में प्रेम का सब्स्टिट्यूट भी बन जाती। तो मैं हमेशा अपनी किताबों को इस तरह से बांटना चाहता हूँ कि उनमें थोड़ा सा प्रेम हो, बहुत सारी प्रकृति हो और आत्मा को छूने वाला एक संगीत। ये तीन चीजें जो मुख्यतया मेरी किताबों में अंतरधारा की तरह दिखाई देती हैं। जी जी, आज का जो वर्तमान समय चल रहा है बहुत ही व्याकुल करने वाला है। कोरोना ने चारों ओर महामारी फैली हुई है, तांडव मचा रखा है और इंसानियत इम्तहान के दौर से गुजर रही है। तो ऐसे हालात एक कवि के रूप में आप पर क्या असर डालते हैं? कवि ही तो हुए तो पूरे मनुष्य के रूप में मुझ पर असर डालते हैं। जिस तरह से दुनिया के, जिस तरह से देश और दुनिया के तमाम लोग इससे आहत हैं, पीड़ित हैं, जो बचे रह गए हैं, बहुत सारे लोग तो नहीं बचे, लेकिन जो बचे रह गए हैं वो भी एक बड़ी संख्या है, वो जिस तरह से पीड़ित और विक्षुब्ध हैं, लगभग वैसा ही मैं भी हूँ। मेरे अपने परिवार में मृत्यु हुई है कोविड से और ज्यादा हुई है, और दोनों बरस हुई, पिछले बरस भी हुई, इस बरस भी हुई। कवि के रूप में मैं इन चीजों को अगर जोड़ने की कोशिश करूं तो ये कहता हूं मैं कि संवेदनाएं जो हैं हमारी वो आहत होती हैं और रचनात्मक रूप से हमें किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। समझ में नहीं आता कि अपनी रचनात्मकता को इस पूरे दौर में कैसे जीवित रखा जाए। मैंने खुशियों के गुप्तचर के बाद से, यानी समझ लीजिए जब से खुशियों के गुप्तचर जनवरी 2020 में आई, फरवरी मार्च से कोविड शुरू हो गया, जनवरी के बाद से अब तक 1.5 साल हो गए, मैंने कोई कविता लिखी ही नहीं, 1.5 साल से कुछ नहीं लिखा है। पहला रीजन तो ये था कि जो होता है कि किताब आने के तुरंत बाद एक खास किस्म का खालीपन आ जाता है आपके अंदर और आप रच नहीं पाते हैं या रचने को स्थगित करते हैं,
अपनी रचनात्मकता को कुछ न कुछ जांच रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। वो पीरियड शुरू हुआ और मार्च अप्रैल के बाद से तो जो तांडव मचा कि मैं लगभग सकते में हूँ, एक रचनात्मक हैरानी, एक रचनात्मक विक्षोभ मेरे भीतर है, चीजें रुकी हुई हैं। तो ये कवि से ज्यादा ये मनुष्य, मेरा मनुष्य उसी तरह प्रभावित है जैसे आपका मनुष्य, जैसे तमाम दूसरे लोगों का मनुष्य। मैं बेहद बेहद दुखी हूँ इस माहौल को देख करके। गीजी, कोई ऐसी कविता अगर आप हमें सुनाना चाहें जो आज के इस वर्तमान स्थिति को दर्शाती हो, कोई ऐसी आपकी कविता हो तो हम जरूर सुनना चाहेंगे। वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाली तो नहीं है, क्योंकि वर्तमान स्थिति के आसपास कोई कविता ही नहीं लिखी, पिछले 1.5 साल से कोई कविता नहीं है। और ऐसा मेरे साथ होता है, जब भी मेरी नई किताब आती है, 2010 में आई थी तब मैंने 1.5 साल तक उससे कविता नहीं हो पाई, फिर 2017 में जब न्यूनतम में आई तभी भी 1.5 साल तक कविता नहीं हो पाई। इसके पीछे ये है कि कविता फेयर नहीं हो पाई, यानी मैं लिखता तो रोज हूँ, मैं अपनी नोटबुक में, अपनी डायरी में रोज कुछ ना कुछ नोट करता हूँ, पंक्तियाँ, पैराग्राफ, बहुत सारी चीजें। उनमें से बहुत सारी चीजें मेरे गद्य में चली जाती हैं, बहुत सारी चीजें मेरे निबंधों में चली जाती हैं, लेकिन कविता की बहुत सारी चीजें इनमें पड़ी रहती हैं। तो मैंने इस पूरे पीरियड में कोई कविता फाइनल नहीं की, कोई कविता फेयर नहीं की। पंक्तियां हैं मेरे पास में लेकिन कविता का रूप नहीं ले पाएंगी वो। तो वर्तमान स्थिति का चित्रण करते हुए कोई कविता ढूंढ पाना मेरे लिए इसमें थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत छोटी छोटी कविताएं जो हैं वो कुछ इस भाव से लिखी थी, क्योंकि मुश्किल समय, सिर्फ ये तो बहुत मुश्किल समय है, लेकिन इससे पहले भी छोटे छोटे मुश्किल समय जीवन में आते रहे। मैं चाहता हूं कि इन 3-4 पंक्तियों की कविता को छू करके हम अपने इस मुश्किल समय को निकाल ले जाएं, उसका सामना कर सकें, उसके साथ व्यवहार बना लेते। जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए, जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए, उससे थोड़ा और प्रेम करना जिससे अब तक तुम करते आए, जिससे अब तक तुम करते आए। और थोड़ा सा राजनीतिक टोन जो है, राजनीतिक सामाजिक टोन पहले की कविता है लेकिन प्रासंगिक है हमारे आज के दौर में। लोग जिस तरह से चीजें कर रहे हैं, लोग देखिए, जो जिसके हाथ में जिसको नौकरियां लोगों की बचाए रखनी थी उसने लोगों को नौकरियों से छुट्टी दे दी, जिसको लोगों की मदद करनी चाहिए थी वो कहीं गायब है, कहीं सो रहा है, और जिनको जिनसे हम कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे मदद करने की वो आगे बढ़ बढ़ के लोगों की मदद कर रहे हैं। लोग जिनसे असल में भूमिकाएं निभानी थी वो खामोश हो गए, वो गायब हो गए। तो कुछ इसी बात को पकड़ते हुए 4 लाइन थी जो कि पहले की लिखी हुई है लेकिन इस दौर में, इस समय में बड़ी प्रासंगिक जान पड़ती। तो ये, तुम बहेलियों के बुतों पे फूल मत चढ़ाया करो, तुम बहेलियों के बुतों पे फूल मत चढ़ाया करो, इससे चिड़ियों के पंख में दर्द बढ़ता है, माना कि समय बहरा है किसी की नहीं सुनता, माना कि समय बहरा है किसी की नहीं सुनता, लेकिन वो अंधा नहीं है देखता सबको है, लेकिन वो अंधा नहीं है देखता सबको है। बहुत खूब, बहुत खूब गीची, बहुत खूब गीची। शायद यही बात है कि आप युवाओं के बीच बहुत प्रसिद्ध हैं और वे लोग सोशल मीडिया पर आपके लेखन को बेशुमार पोस्ट करते हैं और आपको फॉलो करते हैं, और कई युवा आपको अपना आदर्श मानकर लेखन कर रहे हैं, तो ऐसे नौजवान लेखकों को से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इन सारे नौजवानों को धन्यवाद कहूंगा
और ये भी जोड़ूंगा कि सिर्फ नौजवान और युवा ही नहीं, बुजुर्ग लोग भी मुझे पसंद करते हैं। बस ये है कि बुजुर्ग लोग सोशल मीडिया पे कम होते हैं और वो एक्सप्रेसिव कम होते हैं, यानी सोशल मीडिया पर होने के बाद। जैसे मेरे बहुत सारे बुजुर्ग मित्र ऐसे हैं जो कहते हैं तुम्हारी कविता पढ़ तो ली लेकिन कमेंट कैसे टाइप करें पता नहीं, सीधे फोन करके बताते हैं। फोन करना ज्यादा आसान है, कमेंट करना मुश्किल है। अगर कमेंट कर भी दे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होकर के सीधे शुभाशीष इस तरह की एक पंक्ति लिखकर चले जाएंगे। तो खैर ये तो एक हल्का पक्ष, लाइटर साइड हुआ, लेकिन मैं सारे नौजवानों को, अपने सारे पाठकों को शुक्रिया कहता हूँ। और नौजवानों को जो खासकर लेखन से जुड़े हुए हैं उनसे यही कहूँगा कि सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पर ही रहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, कोशिश कीजिए कि किताबों की संगत में रहिए, कोशिश कीजिए कि डॉक्यूमेंट्रीज देखिए। अगर आपको विजुअल मीडिया में लगे रहना है, विजुअल मीडिया आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो दुनिया भर में बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज है, उन डॉक्यूमेंट्रीज को देखिए। किताबों के साथ एक तादाद में बनाइए, गहरा रिश्ता बनाइए, जिंदगी को पढ़िए, इंसानों को पढ़िए, किताबों को पढ़िए, और इसके बाद आप अपने आप को जांचिए, आप अपनी लिखाई को जांचिए। ये एक बहुत साधारण सी चीज कोई सारे सभी नौजवान साथियों से मैं कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा किताबों के साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लिखे हुए शब्दों के साथ जुड़िए। बहुत अच्छी सीख है और बहुत अच्छी एडवाइस है ये कि पढ़ते और लिखते रहना चाहिए अगर अच्छा लेखन करना है। और सिर्फ अपना ही साहित्य नहीं, विदेशी साहित्य भी पढ़िए। और हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि भारत जैसे देश में रहते हैं जो बहुभाषीय देश है, जिस तरफ निगाह घुमाइए साहित्य साहित्य है, तो ढेरों बहुत सब कुछ है पढ़ने के लिए। जी मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है, साहित्य से ही जुड़ा हुआ है कि साहित्य से इतर इतिहास का ऐसा कौन सा महापुरुष है जिससे आप गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं और क्यों, और क्या उन्होंने आप पर कोई असर डाला है? बिल्कुल, दो ऐसे हैं महापुरुष जिनके साथ मेरा बहुत गहरा जुड़ाव और बहुत अनुराग और आसक्ति है। देखा जाए यूं तो अनेक हैं, लेकिन दो मुख्य तौर पर जिन्हें मैं यहाँ कहना चाहूंगा। एक है बुद्ध। मैं बुद्ध से बहुत प्रभावित, बुद्ध ये कहना भी अपने आप में कई बार ना बहुत अजीब लगता है कि मैं बुद्ध से प्रभावित हूँ, क्योंकि बुद्ध से कौन प्रभावित नहीं होगा, या बुद्ध कोई लेखक, कोई फिलोसोफर, कुछ ऐसे तो थे नहीं कि आप बुद्ध से प्रभावित हो जाए। ये कहना चाहिए कि मैं बुद्ध का अनुरागी हूँ, मैं बुद्ध से आसक्त रहता हूँ, मैं बुद्ध को एक अगर बुद्ध एक सूर्य है तो मैं छोटे से धूमकेतु की तरह एक उनके चारों तरफ घूमते रहना चाहता हूं। दो चीजें हैं, बुद्ध का एक नाम था अद्वैतवाद, उनको अद्वैत कहा जाता था, अद्वैत, और अद्वैत एक फिलॉसफी भी है। बुद्ध दो में विश्वास नहीं करते थे, बुद्ध एक की ही बात करते थे, दोनों के एक होने की बात। देखिए अद्वैत और बुद्ध में कुछ कॉमन ग्राउंड, और जिस तरह से अद्वैत कहता है कि जो तुम हो वही मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, कहीं ना कहीं बुद्ध भी वही बात कहते हैं। और ये बात मुझे बुद्ध के जरिए ज्यादा गहराई से महसूस होती है कि वो जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे बाहर है, वही आपको जागृत करते हैं हमारे, वो हमें अतियों पर जाने से रोकते, वो हमें पूरी तरह से दक्षिण दिशा में जाने से रोकते हैं, पूरी तरह से उल्टी दिशा में जाने से रोकते हैं। वो कहते हैं मध्य, बीच में चलो, एक्सट्रीम्स को अवॉइड करते हैं, यानी एक संतुलन बनाने की कोशिश, जीवन में संतुलन, हर चीज में संतुलन, वाणी से लेकर आहार में, लेखन से लेकर के पठन तक, चलने से लेकर बैठने तक में एक संतुलन की गुंजाइश बुद्ध के यहाँ से आती। और जो प्रेम और करुणा बुद्ध के पास है वो शायद कहीं दूसरी जगह। तो बुद्ध मुझे बहुत
जोड़ते हैं, बुद्ध मुझे बहुत प्रेरित करते हैं अपने भीतर के उस छुपे हुए खजाने को खोजने में। दूसरे ऐसे व्यक्तित्व हैं महात्मा गांधी। संभवतः दो लोग हैं भारतीय इतिहास या इस पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास में और शायद विश्व इतिहास में भी, इसमें प्रेम, करुणा और अहिंसा को इतना मान दिया गया। महात्मा गांधी के सामने ऐसे अनेक अवसर आए थे जब उनकी हिंसा पर प्रश्न लगाया गया। आज भी बहुत सारे लोग आवेग में, जोश में गांधी की अहिंसा भाव पर प्रश्नांकन करते हैं, बहुत सारे। ऐसे तमाम अवसर के बाद भी महात्मा गांधी डिगे नहीं, वो प्रेम, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर लगातार चलते थे। प्रेम का उद्देश्य क्या होता है, या अहिंसा का उद्देश्य क्या होता है, या करुणा का उद्देश्य क्या होता है? हम लोग ऐसा मानते हैं कि हर चीज अंततः जाके प्रेम में तिरोहित हो जाएगी, यानी हमें प्रेम मिल जाए तो वो सबसे बड़ी चीज है। ऐसा नहीं होता है। बुद्ध शांति का पर्याय, प्रेम, करुणा, अहिंसा, ये सब चीजें हमें शांति की तरफ लेकर के जाती। देखिए, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारा प्रेम हो, लेकिन उस प्रेम के कारण जरूरी नहीं कि आपके जीवन में शांति हो। आप सुबह शाम प्रेम करें, डूब करके प्रेम करें, लेकिन अशांत बने रहे, आप लड़ाई करते रहें। आपके भीतर बहुत सारी करुणा है, लेकिन वो करुणा थोड़ी देर के बाद एक अशांति में तब्दील हो जाती है, या आपको अशांत करती है, या आपके कारण किसी दूसरे को अशांत। गांधी और बुद्ध, ये प्रेम, करुणा, अहिंसा और मैत्री के रास्ते शांति के लक्ष्य तक पहुंचना चाहते थे, और वो शांति कहीं न कहीं मेरा आदेश। मैं चाहता हूं कि रचना के भीतर वो शांति हो, मैं चाहता हूं कि रचनात्मकता के जरिए उस शांति तक पहुंचा जा सके। ये बुद्ध और गांधी मुझे बहुत प्रेरित, प्रभावित, आसक्त। जी, शायद यही वजह है कि आपकी कविताओं में इतनी गहराई है, इतना ठहराव है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा आपने बताया। गीत जी, आपसे बातें तो बहुत करनी है और कविताएं भी बहुत सुननी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश हम समय की सीमा में बंधे हुए हैं। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपकी जो नई किताब है अधूरी चीजों का देवता, वो तो एक बेहद कामयाब किताब है, तो हमारे दर्शकों को अब इसके बाद क्या मिलने वाला है पढ़ने के लिए? अधूरी चीजों का देवता के बाद पूरी चीजों का देवता आना चाहिए। अधूरी चीजों का देवता गद्य की किताब है, जिसमें डायरी, संस्मरण और आपको निबंध, ये सब चीजें हैं। मैं बहुत लंबे समय से उपन्यास लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, उपन्यास की घोषणा कर चुका हूँ, उपन्यास लोग इंतजार करते हैं, और अभी तक उपन्यास आया नहीं। 10 साल हो गए घोषणा किए, बार बार पूछा जाता है। तो मैं अपने पाठकों के साथ एक पुराना वादा निभाऊंगा, रानीखेत एक्सप्रेस तो नहीं आएगा इतनी जल्दी, लेकिन इस साल संभवतः मेरा पहला उपन्यास प्रकाशित हो, तो पाठकों के लिए एक भेंट इस साल की, मेरा पहला उपन्यास। बेसब्री से इंतजार करेंगे हम उसका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उसके लिए। गीत जी, इतनी सहजता से सारे सवालों का जवाब देना आपने दिया, और आपके सवाल जितने, आपके जवाब जितने सहज थे उतने ही सघन भी थे। तो हमारे साथ समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गरिमा जी, आप अब सवाल ले लें दर्शकों के। बहुत ही प्यारा सत्र ये रहा दीपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से गीत जी को खोल के रख दिया, हमने बहुत एंजॉय किया। जैसा कि आपने कहा कि हम समय सीमा से बंधे हुए हैं, तो अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, जहाँ पे दर्शक, श्रोतागण आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं, ये उनके पर्सनल सवाल है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी श्रोतागण से, यदि आप लोगों के मन में सवाल है जो आप गीत जी से साझा करना चाहते हैं, तो वो आप क्वेश्चन आंसर बॉक्स में आप जाके टाइप कर सकते हैं, या आप हैंड रेस करके
आप अपना वॉइस ओवर भी दे सकते हैं, हम आपके सवाल भी लेंगे। इसी बीच हमारे बीच में एक सवाल आ गया है जी, विभास कुमार झा जी का है ये रायपुर के पत्रकार हैं, इन्होंने इनका क्वेश्चन है आपसे जी। आपकी कल्पना का दायरा बहुत विशाल है, शीर्षक भी बहुत अप्रत्याशित सा है, जैसे न्यूनतम भी, इस पर कुछ कहिएगा। न्यूनतम मैं बहुत सिंपल सा था मेरे सामने एक कि मैं क्या हूं। मैं जैसे कई बार देखते हैं बुद्ध से लेकर के शंकर तक, शंकर से लेकर के अभिनव गुप्त तक, अभिनव गुप्त से कबीर, कबीर से तुलसी, तुलसी से आज के जमाने के तमाम फिलोसोफर्स और व्हाट्सएप फिलोसफी, हर तरह की फिलोसफी। उसमें एक चीज बहुत कॉमन होती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी स्थिति, हमारी पोजीशन धूल के एक कण से भी छोटी। हम सूरज के सामने, आकाशगंगा के सामने, इस पूरे अंतरिक्ष के सामने कुछ भी नहीं, धूल के कण के बराबर है। ये फिलॉसफी, ये ज्ञान हर जगह होता है, लेकिन उसके बाद भी, इस महान ज्ञान के बाद भी हम सब विशाल घमंड से भरे हुए हैं। हम कुछ भी नहीं है उसके बाद भी अपने होने के, अपने मैं से भरे हुए लोग। हमारे अंदर इतना अधिक मैं भरा हुआ होता है कि किसी दूसरे के रहने की वहां जरूरत ही, जगह ही नहीं मिलती। बस ये एक छोटा सा था कि क्या ये मैं जीरो हो सकता है, तो ये होता है समझ में आया कि नहीं, मैं जीरो नहीं, तब बिना मैं के हम जीवित नहीं रह सकते। यदि हम जीवित हैं तो मैं का भाव तो होगा ही होगा, क्योंकि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे किताब पढ़ना है, मुझे आपसे बात, तो मैं का ये भाव तो रहेगा ही रहेगा। इसके बिना मैं मर जाऊंगा, या अगर मैं मरा हुआ होऊंगा तभी मैं से मुक्त हो पाऊंगा, तो फिर क्या हो सकता है। मैं को न्यूनतम होना चाहिए, जितना जरूरी है केवल उतना ही मैं होना चाहिए, बाकी सब तुम, बाकी सब आप, बाकी सब 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 सब, ये वाला भाव होना चाहिए। यहीं से ये शीर्षक बना था, न्यूनतम मैं। और इसमें योगदान किया मेरे प्रिय कवियों ने, प्रिय लेखकों ने, ऑस्कर वाइल्ड की कुछ पंक्तियां हैं जो मैं की इस फिलॉसफी के आसपास खड़ी होती हैं। हिंदी के बहुत बड़े गद्यकार कृष्णनाथ हैं, जो कि बुद्धिज्म के बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े घुमक्कड़ थे, जिन्होंने बौद्ध ग्रंथ को, बौद्ध शास्त्र पर अनूठी रचनाएं रची। ऐसे व्यक्ति थे कृष्णनाथ, उनकी पंक्तियां, इन्होंने मेरी बड़ी मदद की न्यूनतम मैं इस शब्द तक पहुंचने। बहुत ही सही। इसी बीच हमारे पास और क्वेश्चन आ गए हैं, पुनः विभास कुमार झा जी का ही आपसे प्रश्न है। गिरिजा कुमार माथुर की कविता आदमी का अनुपात से प्रेरित है शायद, ऐसा उनका पूछना है आपसे। क्या नहीं सुन पाया मैं? गिरिजा कुमार माथुर की कविता आदमी का अनुपात से प्रेरित है शायद, कौन सी चीज? ये वो पूछना चाह रहे हैं कि गिरिजा कुमार माथुर जी की जो कविता है आदमी का अनुपात, यह उन्हीं से प्रेरित है, जैसा आपने जो न्यूनतम मैं मतलब गिरिजा कुमार माथुर मेरे बड़े और हम सबके बड़े आदरणीय कवि हैं, और हमने उन कविताओं से, उनकी रचनाओं से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन पर्टिकुलर इस कविता का मेरी जानकारी के तई गिरिजा कुमार माथुर की कविताओं के साथ कोई वैसा रिश्ता नहीं बन पाया है, या वैसा रिश्ता नहीं हो सकता है कि मैं ना जानता हूँ कुछ ऐसी चीज को, लेकिन मेरी अपनी जानकारी में जो इस शीर्षक, इस शब्द की जो जेनेसिस है, वो मैंने जो बताई वो है। गरिमा, आप अगर मुझे परमिशन देंगी तो एक सवाल मेरे भी जहन में आ रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ गीत जी से।
आपने युवाओं को संदेश देने के वक्त कहा कि हम सोशल मीडिया पे रहें, जितना वक्त देना है दें, लेकिन उसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा संगत अपनी किताबों की ओर आए, अपने लिखने पे आए, खुद के लिखे हुए को भी पढ़ें, औरों को भी पढ़ें। इस बीच में एक सवाल आता है कि जब हम औरों को पढ़ रहे होते हैं, अपने सीनियर्स को पढ़ रहे होते हैं, अपने से पहले के लेखकों को पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब उनका लेखन हमारे लेखन में समाहित हो जाता है, उसका प्रभाव हमारी तरफ आ जाता है, और इस बीच में एक चेतना जागती है और लगता है कि मेरा मौलिक क्या है। जब तक मैं हर तरफ दूसरे को पढ़े हुए को लिख के उनके जैसा शायद लिखने के साइड मेरा लेखन चला जाता है, इससे कैसे कोई बच सकता है कि अपना मौलिकता, अपनी मौलिक लेखन उसके बीच बची रहे और वो दूसरों को पढ़ता भी रहे। पहली बात तो ये है, हमें ये एक चीज अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए कि कला में, साहित्य में और पूरी जिंदगी में मौलिक जैसा कुछ नहीं होता है। हम जो टी शर्ट पहनते हैं वैसी टी शर्ट करोड़ों लोग पहनते हैं, हम जो चश्मा लगाते हैं वैसे चश्मा करोड़ों लोग लगाते हैं, हम जिस तरह की भाषा बोलते हैं, हिंदी या अंग्रेजी या नेपाली या मैथिली, वैसी भाषा बोलने वाले करोड़ों लोग। मौलिक क्या होता है? मौलिक यानी दो अजीब चीजों का कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन आपको खोजना होता है। देखिए, हम जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं कहीं से, मेरा यह पूरा शरीर कोई मौलिक शरीर थोड़ी, मेरा ये शरीर किसने बनाया? मेरे मम्मी और मेरे पापा ने बनाया। यानी मैं अपने माता और पिता की रचना हूँ, मैं अपने माता पिता की अनुकृति हूँ। मेरे माता पिता भी कोई ओरिजिनल लोग थोड़ी थे, वो उनके माता पिता की अनुकृति थे, वो उनके माता पिता, वो एक पूरी चेन चली आ रही। तो हम सभी किसी न किसी की अनुकृति है, हमारा शरीर किसी और ने बनाया है, हमने खुद नहीं बनाया। उसी तरह हमारा एक रचनात्मक शरीर होता है, हमारा एक लेखकीय शरीर होता है, वो हम अपने आप नहीं बनाते, वो हम जिनको पढ़ते हैं उनके हिसाब से बनता है। यदि मैंने बचपन से साहित्य नहीं पढ़ा होता तो मैं साहित्यकार नहीं बनता। अगर मैंने बचपन से सिर्फ गजलें ही गजलें पढ़ी होती तो मैं मुक्तछंद की कविता नहीं लिखता, गजल लिख रहा होता। अगर मैंने बचपन से जापानियों की तरह सिर्फ हाइकू ही हाइकू पढ़ा होता या बाद में हाइकू को ज्यादा पढ़ा होता तो मेरे भीतर हाइकू होता। जो आप पढ़ोगे वो आप बनोगे, और इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ तरीका है। दुनिया के बहुत बड़े कवि हैं महमूद दरवेश, एक सुंदर बात कहते थे वो कि ऐसा कोई भी कवि जो किसी दूसरे कवि से प्रभावित ना हो वो कवि कभी अच्छा कवि नहीं होता। अच्छा कवि हमेशा दूसरों से प्रभावित होता, क्योंकि अच्छा कवि बहुत सारे लोगों को पढ़ेगा, क्योंकि अच्छा कवि बहुत सारी गलियों में जाएगा, अच्छे कवि को बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी तरफ से कुछ नई चीजें रचेगा। वो नई चीजें क्या होगी? वो होगा कॉम्बिनेशन। कुदरत कॉम्बिनेशन से चलती है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, दोनों आपस में मिलते हैं H2O, एक कॉम्बिनेशन बनता है, पानी बन जाता है। पानी ओरिजिनल चीज, पानी ओरिजिनल, लेकिन पानी भी ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, बहुत सारा हाइड्रोजन है, बहुत सारा ऑक्सीजन है, तो बहुत डीपली देखो तो पानी भी ओरिजिनल नहीं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि चलो पानी एक नई ओरिजिनल, क्योंकि पानी एक नया कॉम्बिनेशन है। इसी तरह हर चीज, चाहे वो हाइड्रोजन क्लोराइड हो, चाहे वो पोटेशियम साइनाइड हो, हर चीज एक कॉम्बिनेशन। उसी तरह कविता, कहानी, इमोशंस, फीलिंग्स क्या है? कुछ ओरिजिनल नहीं, हर चीज एक कॉम्बिनेशन। आप प्यार, अपने दिल में बहुत सारा प्यार फील करते हो, प्यार क्या है? प्यार भी एक कॉम्बिनेशन। प्यार में थोड़ी सी करुणा है, प्यार में थोड़ा सा आनंद है, प्यार में थोड़ा सा जो है एम्पैथी है, प्यार में थोड़ा सा जो है साथ हो जाने की लालसा है, प्यार में थोड़ी सी कामना है, प्यार में थोड़ी सी वासना है,
बहुत सारी चीजें, तब जाकर के प्यार बनता है, वरना अकेले प्यार क्या है आप नहीं समझ सकते। ये सब चीजें कॉम्बिनेशन, तो साहित्य, कला, जिंदगी, इन सब में कॉम्बिनेशन काम करता है। आप फैज अहमद फैज है, यानी आपके भीतर गालिब, मीर और नेरुदा का कॉम्बिनेशन, और ये बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन। डिपेंड करता है कि आपने अपना कॉम्बिनेशन कितना सुंदर बनाया है। आप अगर विराट कोहली हैं तो आपके अंदर सचिन तेंदुलकर भी दिखाई देते हैं, आपके अंदर सौरभ गांगुली और गुंडप्पा विश्वनाथ भी दिखाई देते हैं, तब आप विराट कोहली की एक अलग जिसको आप ओरिजिनैलिटी बोल रहे हैं वो दिखाई, वो प्राप्त की जाती है कॉम्बिनेशन से, मुझे ऐसा लगता है। और मैं हमेशा अपने नौजवान दोस्तों से कहता हूं, इस बात पर बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि आपके ऊपर किसी दूसरे का असर पड़ रहा है, पढ़ने दीजिए असर, जब सही समय आएगा ना तो आपकी अंतरात्मा अचानक अपने लिए एक नया कॉम्बिनेशन बना लेगी, आप वहां तक बिना किसी चिंता के चल के जाइए। बिल्कुल, बहुत ही सही। मुझे लगता है कि गौरव जी अभी अब आपको अपने प्रश्नों का उत्तर जरूर मिल गया होगा, और इतने शानदार तरीके से आपने उसे समझाया कि बिल्कुल बहुत ही सही था सर। अब आगे क्या हम अपने दो क्वेश्चन हमारे पास और हैं, हम उस प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। कल्पना चौधरी जी का यह प्रश्न है, आपने कहा कि आप बुद्ध और गांधी से प्रभावित हैं जो दोनों ही इसी भूमि के पुत्र हैं, किंतु आज के परिप्रेक्ष्य में आप उन्हें और उनकी शिक्षा को कितना सार्थक पाते हैं? तो बिल्कुल सार्थक है, बुद्ध और गांधी इस दुनिया में, इस धरती पर कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकते। मैंने यही कहा, इस दुनिया में आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत? शांति। आप चुनिए, देखिए युद्ध से बहुत सारे लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि युद्ध में वीरता है, क्योंकि युद्ध में जोश है, क्योंकि युद्ध में जीत लेने का भाव है, और हम हर कोई जीत लेना चाहते हैं। लेकिन युद्ध का विलोम क्या है? क्या आप 24 घंटे युद्ध में रह सकते हैं? क्या आप हमेशा युद्ध में रह सकते हैं? आपके पीछे एक आदमी बंदूक लेकर के खड़ा हुआ हो तो क्या आप कविता पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप इस दुनिया को शांतिपूर्ण माहौल में चलाना चाहते हैं, और जब तक आपको शांति की आवश्यकता महसूस होती रहेगी आपके जीवन में, बुद्ध और गांधी आपको रास्ता दिखाते रहेंगे, बुद्ध और गांधी की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। व्याख्याएं अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं आज के जमाने में, मैंने कहा ना कि अहिंसा सबसे अंडररेटेड वैल्यू है आज के जमाने में। आप किसी से अहिंसा की बात करें तो आप पर हंसने लगता है, अरे अहिंसा से क्या होता है, आपको तो हिंसा से मार के दो लाफा मार करके अपना काम करवा लेना। लेकिन ये नहीं, ये इंसान होना नहीं है, ये इंसान होना नहीं, क्योंकि अहिंसा तो कोई जानवर भी कर सकता है। इंसान होना यानी अहिंसक, इंसान होना यानी अहिंसा के मार्ग से शांति के रास्ते पर जाना। कुछ हिंसाएं, कुछ युद्ध कभी कभी जरूरी हो जाते हैं, लेकिन उनका व्यापक उद्देश्य उस शांति की प्राप्त करना है। मैंने कहा बुद्ध और गांधी, इनका मार्ग था प्रेम, करुणा, अहिंसा और मैत्री, लेकिन इनका लक्ष्य था शांति, सांसारिक शांति, आत्मिक शांति, दोनों तरह की शांति इनका लक्ष्य था। तो उन दोनों शांतियों तक अगर आपको पहुंचना है तो बुद्ध के बिना, गांधी के बिना आपको कोई रास्ता नहीं मिलता। बिल्कुल। अब हम एक हमारा लास्ट प्रश्न है, उस पे हम चलते हैं। यह आलोक वर्मा जी का प्रश्न है, इन्होंने आपसे पूछा है, कोरोना काल से गुजरती दुनिया और मनुष्य भविष्य में कैसे और कितने बदल जाएंगे? विश्व साहित्य की कौन सी पुस्तकों को इस दौर में आप याद करना चाहेंगे? देखिए दुनिया तो अब पहले जैसी रहेगी नहीं, दुनिया पहले जैसी तो नहीं ही रहेगी, क्योंकि गले लगना दुनिया की तमाम सभ्यताओं में, आलिंगन, गले लगना एक ऐसा भाव, एक ऐसा प्रतीक था जिसके साथ प्रेम, स्वागत, ये सब चीजें जुड़ी हुई, और अब शायद गले लगना उतना उन्मुक्त नहीं रह जाएगा।
छूना उतना उन्मुक्त नहीं रह जाएगा जब तक कि हम पूरी तरह गारंटी नहीं हो पाएगी हमारे ये बीमारी ये रोग ये महामारी हट चुकी है। लोग एक दूसरे पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाएंगे। अभी भी हम समझ नहीं पाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं और हम थोड़ा सा डाउट में रहते हैं कि पता नहीं इसकी हेल्थ हिस्ट्री क्या है, ये हमसे मिल रहा है और हमसे दो घंटा पहले पता नहीं किसी पेशेंट से मिलके ना आया हो सकता है असिम्प्टोमिक हो। ये विश्वास का जो भाव है ये लगातार कम होता गया या कम होता जाएगा, उसमें कोविड बहुत बड़ा योगदान। आर्थिक मार तो बहुत बड़ी है, हो सकता है आर्थिक मार लोग उससे उबर जाए, दो चार साल में हो सकता है कि अर्थव्यवस्था और खुल जाए और विकास हो जाए और नौकरियां बन जाए तो उस आर्थिक मार से बचा जाए। लेकिन ये जो सामाजिक और भावनात्मक मार है, ये जो खो देने का भाव है और व्यापक स्तर पे ये जो निरर्थकता का भाव है, हम कुछ नहीं, आदमी बुलबुला है पानी का और क्या भरोसा है जिंदगानी का, वो वाली बात। ये चीज बहुत गहरे तक हमारे बीच बस गई। सवाल का दूसरा हिस्सा है कि कौन सी किताब याद करना चाहेंगे, तो मैं एक किताब का नाम लेना चाहूंगा, बहुत पहले लिखी गई 1940 के दशक में अल्बेयर कामू ने प्लेग नाम का एक उपन्यास लिखा था। मुझे वो उपन्यास पूरे पीरियड में बार बार याद आता है। उन्होंने एक ऐसे समाज का चित्रण किया था जहां बिल्कुल इसी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है, जहां बिल्कुल इसी तरह से लोग अपने घरों में बंद हैं और बाहर निकलने पे टप टप करके गिरते और मर जाते, प्लेग इस तरह पैदा हो। अगर हमारे मित्रों ने अल्बेयर कामू का प्लेग नहीं पढ़ा है, उन्हें खोज करके पढ़ना चाहिए। उन्हें लगेगा कि 1940 के दशक में रचा गया ये नावल दरअसल 2020 में लिखा गया ये नावल। बहुत 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 धन्यवाद जीत जी। और अब हम फाइनली अपने कार्यक्रम के उस मोड़ पे आ गए हैं जब हमें आप सभी से अलविदा लेनी है, और इसी बीच मैं बस आप सभी का आभार आपकी एक छोटी सी कविता जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उस कविता के से मैं आपका आभार देना चाहती हूँ। यह कविता है आपकी, जाने कितनी बार टूटी लय, जाने कितनी बार जोड़े सुर, हर आलाप में गिरह पड़ी है, कभी दौड़ पड़े तो थकान नहीं और कभी बैठे बैठे ही ढह गए, मुकाबले में इस तरह उतरेगी, अगले को दया आ गई और उसने खुद को खारिज कर लिया, थोड़ी सी हंसी चुराई, सबने कहा छोड़ो भी और हमने छोड़ दिया। इसी कविता के साथ मैं आपका दिल से आभार और धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ पे आए और हमें आपको जानने का समझने का मौका मिला, और हमारी यह कोशिश रहेगी कि जब हम फिर से इस कोरोना काल से हम वापस नॉर्मल लाइफ में एंटर करेंगे तो आपको जरूर आपका फिजिकल सेशन हम अटेंड करना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को भी यह मन है और हमें तो फिर है। इसी बीच दीपा मिश्रा जी, आप लखनऊ की एहसास विमन है, मैं आपका भी हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतने सहज और अच्छे तरीके से प्रश्नों के बहाने, कविताओं के बहाने सर को गीत जी को खोल के रख दिया, उनको हमें जानने का और करीब से देखने का मौका मिला, हम उनको और जान पाए, इसके लिए हार्दिक आभार आपका। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम बिना श्रोताओं के कभी भी पूर्ण नहीं होता, सक्सेस नहीं होता, तो आप सभी श्रोतागण, आप सभी दर्शक को मेरा हार्दिक अभिनंदन, प्रभात श्रीकांत फाउंडेशन और अभिकल फाउंडेशन, आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ मैं। और भविष्य में हम फिर से एक नए लेखक के साथ हम जरूर जुड़ेंगे, और हमारे बिलासपुर के मीडिया पार्टनर नई दुनिया का भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार। गौरव गिरिजा शुक्ला जी, आप बिलासपुर कलम आपके ही मार्गदर्शन में चलता है तो आपका भी बहुत हार्दिक आभार हम व्यक्त करते हैं। और श्रोताओं से अनुरोध है, जिनको गीत जी की बुक चाहिए, किताब चाहिए, आप गौरव जी को या मुझे अपना पोस्टल एड्रेस, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस आप हमें शेयर कर दें, व्हाट्सएप कर दें, हम 2 से 3 दिनों के अंदर हम बिल्कुल आपको किताबें उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो फिर मेरा पुनः आप
सभी को हार्दिक अभिनंदन, आभार कि आप सभी यहाँ पे आए, उपस्थित हुए और हम फिर से कलम बिलासपुर और रायपुर के दर्शकों से फिर से जुड़ेंगे एक नए लेखक के साथ में। धन्यवाद।